हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की इडली। मूंग दाल की इडली बनाने के लिए 200 ग्राम मूंग की दाल ली थी, जिसको 4 घंटे पानी में भिगोया, उसके बाद उसका पानी हटा दिया। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च कटी हुई। सबसे पहले इस दाल को जार में डालेंगे। ये धुली मूंग की दाल है। ये हरी मिर्च और अदरक भी इसमें डाल देंगे। आधा कप पानी, इसका बारीक पेस्ट बना देंगे। इसको हमने पीस लिया है और बारीक पीसा है, एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ढक्कन लगाकर 5 घंटे के लिए रख देंगे। दाल को हमने 5 घंटे रखा था पीसने के बाद में दाल में खमीर उठ गया है, और दाल में हम नमक डाल देंगे और बेकिंग सोडा, 2 पिंच बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक, अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक को और सोडा को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इडली स्टैंड लेंगे। इडली स्टैंड पर घी या तेल लगा देंगे बॉक्स में, और इस बैटर को डाल देंगे। सभी बॉक्स में इसी तरह से बैटर को डाल देंगे। बैटर को हमने इडली स्टैंड में डाल दिया है, और अभी ये इडली बनाने का कुकर है, इसको मैंने 5 मिनट पहले ही 1 ग्लास पानी डालकर गैस पर रख दिया था। अभी इसे हम स्टैंड पे रख देंगे। गैस का फ्लेम हाई करेंगे और ढक्कन लगा देंगे, और इसको 10 मिनट पकने देंगे। 10 मिनट हमने इडली को पका लिया था। इडली को चेक कर लेते हैं, ये टूट पिक लिया है, इस तरह से लगा के देखेंगे। ये चिपकनी नहीं चाहिए, चिपक नहीं रही है तो हमारी इडली बनकर के तैयार है। इसे निकाल करके बाहर रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। चाकू की मदद से इसको इस तरह से हटा लेंगे। बहुत ही अच्छी इडली बनकर के तैयार हुई है, एकदम से सॉफ्ट। सभी को इसी तरह से निकाल के रख लेंगे। मूंग दाल की इडली बनकर के तैयार है। इसे हम सांभर के साथ सर्व करेंगे। आप इसे नारियल की चटनी या अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। गर्मियों में मूंग की दाल शरीर को काफी ठंडक देने वाली होती है और हेल्दी भी होती है, तो आप इसे बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।